मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा स्विमिंग बाय मनी का। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले कि ये वीवो और ओप्पो का सेट है, मैं आपको बता दूंगा कि जब भी आपने सेट परचेज करना है, वीवो या ओप्पो, वैसे कि जो दोनों ब्रांड चाइनीज़ है, पर अगर आपके फिर भी कीड़े लड़ रहे हैं नहीं जी हम वीवो ही चलाएंगे, फिर भी आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, उसको परचेज़ करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि अब जो इंडिया के पब्लिक है वो एकजुट हो चुकी है, क्योंकि मैं शॉप पे होता हूँ तो जैसे कि कोई फ़ोन लेने आया कि हाँ भाई किसी ने वीवो का फ़ोन दिखाया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमने चाइनीज़ ब्रांड बिल्कुल नहीं लेना, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो। ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा मुझे और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज़ बंदा पब्लिक आके खुद ही अब मना कर देगी हमें चाइनीज़ ब्रांड नहीं लेना, तो ऑटोमेटिकली जो दुकानदार है वो चाइनीज़ ब्रांड अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि उनकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी, फिर वो इंडियन नहीं रखेंगे या फिर और किसी कंट्री का रखेंगे, पर चाइनीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ एज़ वेल एज़ काफ़ी टैग करी है इंडिया के ऊपर। तो चाइनीज़ बैन 50 ऐप है जो 59 बैन हो चुकी है, जिसमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कह दिया, क्या कहते हैं उसको, जेंडर हो गया, हेलो ऐप होगी, जूम ऐप होगी, ये काफ़ी ऐप हो चुकी है बैन। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, लिस्ट में आपको 59 ऐप का नाम मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो आराम से वीडियो स्टॉप करके। तो फ्रेंड्स आज मैं इनका डिफरेंस बताने वाला हूँ कि अगर आपने परचेज़ करने तो इसमें क्या अंतर देखना है। पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आप इन दोनों सेटों को ना ही परचेज़ करो, इन दोनों सेट की बात नहीं, वीवो और ओप्पो, एमआई, रियलमी, ये सारी चाइनीज़ आ जाती हैं। आपने अगर परचेज़ करना है आप सैमसंग परचेज़ कर सकते हो, नोकिया परचेज़ कर सकते हो, एलजी कर सकते हो, मैक्रोमैक्स जो कि इंडिया की कंपनी है वो भी आप मोबाइल परचेज़ कर सकते हो। तो चलो फिलहाल हम इनका कंपेयर बताते हैं कि क्या आपको ध्यान रखना है जब आपने इसको परचेज़ करना है। बैन, दिल खुश, किस किस को, जो टिकटॉक ये सारा कुछ बैन हो गया है, एप्लीकेशन बैन हो गई है, किन किन को अच्छा लगा है, तो एक बार लाइक करके मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में बताना मुझे कि आपको 10 में से कितने परसेंट अच्छा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं रहा था 111-112%। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, टाइम ना वेस्ट करते हो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दो बॉक्स देखते हो, वीवो V19 और Y12। तो सबसे पहले जब आपने फ़ोन परचेज़ करना है आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ये देखो, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, इसके पार्ट इंडिया में बने हैं, ये चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ है, पर ये इंडिया में आया गया, इंपोर्ट किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपने जब कोई भी फ़ोन परचेज़ करना है, चाहे वो वीवो का या ओप्पो का, ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे टैग लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो, फोकस हो जाए थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये देखो मेक इन इंडिया, ठीक है, ये ऊपर गरारी भी बनी हुई है, मेक इन इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप गौर से देख सकते हो, मैं एकदम पास में कर देता हूँ, देखो मेक इन इंडिया मतलब कि जो इसके पार्ट्स है वो इंडिया में तैयार हुए हैं। अब ये देखो मेड इन इंडिया, ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये इसके पार्ट्स भी इंडिया में तैयार हुए हैं, ये मैन्युफैक्चर भी इंडिया में हुआ है, पर ये चाइना की कंपनी है, इससे चाइना को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जब ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा और इंडिया में बिकेगा, जो इसका मालिक है वो चाइना का है, ठीक है, पर प्योर पूरा चाइना का होने से बेटर है कि वो इंडिया में बन रहा है, इंडिया के पार्ट है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसके कारण लेबर को काफ़ी बेनिफिट होगा, इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होगा, जब इनके मैन्युफैक्चर इंडिया में होएगी, बड़ी हब इंडिया में आ जाएगी, तो ये अगर चाइना में भी फ़ोन बेचेंगे तो उनको भी मतलब कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर जा सकते हैं, मतलब कि कई और कंट्रियों में भी जाएंगे तो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफ़ी बढ़िया है, फिलहाल इंडिया में अगर आपने परचेज़ करना है तो ये जो दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है, तो भी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि अगर आप अपने देश को प्यार करते हो तो। अब आते हैं चाइना का, ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मेड इन चाइना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, ये आप चेक कर सकते हो, कई बेले छोटे अक्षरों में लिखा होता है, और ये देखो ये सील देख के आप कन्फ्यूज मत हो जाना कि इंडिया का, इसका सील के ऊपर सारी डिटेल दी गई है कि आपने ये सील ब्रेक है तो फ़ोन ध्यान से परचेज़ नहीं करना है, तो ब्रेक का तो कोई सीन नहीं होता, आपने पार्ट देखने होते हैं पूरे, पर ये जब इंडिया से बाहर से आता है तो ये सील आपको मिलेगी कि आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आपको ये चीज़ ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ब्रेक का कोई इशू नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर सेट देखने आता है तो दुकानदार उनको सेट खोल के दिखा देता है, जैसे आपके साथ भी कई बार होया होगा, वो तो कोई इशू नहीं है, पर ये क्या है, मेड इन चाइना, चाइना का मतलब नहीं लेना, ठीक है, तो इंडिया का सपोर्ट करना है। तो चलो वीडियो को एंड करें, आई होप कि आपको पता चल गया हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वीवो के काफ़ी टाइम से पहले मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वीवो के साथ इंडिया में तैयार हो रहे हैं, इंडिया में बन रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहे हैं, पर एक चीज़ और होती है, कईयों में क्या होता है कि यहाँ पे लिखा होगा मेड इन इंडिया, ठीक है ना,
पर उसके जो पार्ट होंगे वो चाइनीज होंगे, ठीक है ना। तो उसमें मेक इन इंडिया लिखा नहीं होगा, उसमें जो लिखा ना मेक इन इंडिया ये चीज़ नहीं होगी, उसमें सिर्फ ये चीज़ होगी मेड इन इंडिया। तो इनफ तक काफ़ी हद तक मतलब कि देखा जाए वो भी सही है, पर आप देख सकते हो कि इनमें डिफरेंस आपको मैंने बता दिया है। तो चलो वीडियो का एंड करें। मैंने इन दोनों बॉक्स में अंतर बता दिया। कोई भी अपने रियलमी MI Xiaomi जो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे ऑफलाइन ऑर्डर करोगे, खैर ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो चाइना का है या इंडिया का है, पर अब आप देख सकते हो कि MI के और इनके आपको जो बैनर है वो चेंज हुए मिलेंगे, वो मेड इन इंडिया मिलेंगे चेंज हुए। पहले यहाँ पे MI लिखा हुआ था, वहाँ पे आपको मेड इन इंडिया देखने को मिलेगा लिखा हुआ। कई जगह चेंज हो चुके हैं, कई जगह चेंज हो रहे हैं, और बस आपने जब भी फ़ोन परचेज़ करना है आपने ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। इससे इंडिया को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी और चाइना को काफ़ी नुकसान होगा। इससे होगा क्या मैं आपको बता देता हूँ, जब लोग इंडिया के बनी हुई चीज़ खरीदेंगे तो इंडिया ग्रोथ करेगा, इंडिया ग्रोथ करेगा, इंडिया इंडिया के पास पैसे होंगे, तो वो काफ़ी हद तक पेमेंट का फ़र्क पड़ता है। जब हम इंडिया को ग्रोथ करेंगे, इंडिया की तरक्की करेंगे तो हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। जब हम चाइना को नहीं खरीदेंगे, चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे तो चाइना में काफ़ी लॉस होगा। तो प्लीज़ मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया, चाइना का हम विरोध करते हैं, ठीक है ना। हमें चाइना को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि चाइना का आप कोई भी पार्ट मत खरीदो, ठीक है, चाहे वो लड़ियाँ हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना। जो भी आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, बस आपने साला जहाँ मर्जी का हो पर उस पे ना ये शब्द नहीं लिखा होना चाहिए मेड इन चाइना, ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखी होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो माचिस क्यों ना हो छोटी सी, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और काफ़ी अच्छा लग रहा है जो कि बैन हो गया, ठीक है। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। तो फ्रेंड्स ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये है टेक्निकल लवली मनी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चाइना का बहिष्कार करें। थैंक यू फॉर द वीडियो।